2022 मॉडल जो ADB अभी लॉन्च हुई है उसके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें डोमिनर 2022 के मॉडल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो विंड स्क्रीन है। ये जो विंड स्क्रीन है बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी आप हाई स्पीड पे भी ट्यूरिंग करते हो तो कैसा होता है, जो आपका विंड आता है और जो आप हेलमेट पहने रहते हो वो बहुत सारे जो नॉइज़ को है वो काट देता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ये जो फीचर्स मिलता है बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें जो टॉप रैक आता है, जो टॉप रैक आता है वो भी बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप कम से 20 केजीज तक आप आराम से यहाँ पे कुछ भी सामान लेके जा सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो टैंक है, जो टैंक है हमें मिलता है 13 लीटर का। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है टूरिंग बाइक, तो टूरिंग बाइक के हिसाब से जो दिया हुआ है वो बहुत ही कम कैपेसिटी दी हुई है। जैसे कि हम लोग वन गो में जाना रहता है तो वहाँ पे हमें दिक्कत आती है और बाकी हम लोग को माइलेज भी देखना रहता है, इस वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत मिलती है। तो इसका मेरे को एक ही ड्रॉबैक मिला कि ये 13 लीटर है, उसके जगह पर हम लोग को अगर 15 लीटर का मिलता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं नकल गार्ड के बारे में। तो जो नकल गार्ड हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है जो हमें डोमिनर प्रोवाइड करता है। तो नकल गार्ड जो है वो देखो यहाँ पे क्वालिटी देखो, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है, अगर ये जो मेटल का पूरा रहता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, जब भी आप मेटल का देखेंगे अगर सपोज़ आप गिरते हैं यहाँ पे बैंग होता है तो आपका जो नकल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। और उसके साथ साथ अगर आपको पूरा मेटल का मिलता तो यहाँ पे जो आपका लीवर है वो प्रोटेक्टेड रहता, बट अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन रहता तो यस आपको रिस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता, आपका रिस्ट फ्री नहीं रहता तो वहाँ पर आपको एक दिक्कत देखने को मिल जाता। अभी हम लोग बात करते हैं टैंक पैड, तो ये टैंक पैड भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंपनी फिटेड हमें मिलता है। तो यहाँ इसका मतलब तो आपको पता ही है, जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं तो जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं तो स्क्रैचेस का भी डर रहता है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट रहता है वो कभी कभी यहाँ पर टच होता है तो स्क्रैचेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया आपका टैंक पैड का। तो अभी हम लोग देखते हैं सीट, तो ये जो सीट हमें देखने को मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब उस पर मैंने वैसे भी एक अलग से सीट लगवाया हुआ है, जैसे कि हमारे बिल्डिंग में जैसे बाइक कवर कर देते हैं तो बिल्ली बिल्ली आके पंजा ना मार दे, इस वजह से मैंने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे एक कवर लगाया हुआ है। बट यहाँ पे जो आपको कवर कंपनी फिटेड देती है बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा हार्ड साइड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड है, तो ये क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाकी अगर आपको फिर भी अगर अपग्रेड कराना है तो आप जेल सीट लगा सकते हो, जिससे आपको टूरिंग में और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो अभी हम लोग सस्पेंशन देखते हैं, तो इसका सस्पेंशन भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अभी जो हमें सस्पेंशन देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि ड्यूल पर्पस हो चुका है, ड्यूल पर्पस, लेकिन कम्प्लीटली ये आपको ऑफ रोडिंग नहीं देगा। टारमैक रोड पे आपको अच्छी खासी मतलब जो बम्प रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइक 70% आप टारमैक पे चला सकते हो, बाकी का जो बचता है आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ जो कंपनी ने हमें दिया, बहुत ही बेहतरीन शॉकअप है। तो अभी हम लोग आते हैं एग्जॉस्ट पे, तो इसका एग्जॉस्ट नोट मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तो एग्जॉस्ट जो है बहुत ही अच्छा है, लाइक लीटर बाइक के जैसे लगती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट दिया है। प्रीवियस वाला जो वर्जन आता था उसमें सिर्फ सिंगल बैरल था, अभी बेस बढ़ गया है, पहले वाले वर्जन में बेस नहीं था, तो अभी बेस इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया है, उस वजह से आपको ऐसा फील आएगा कि बहुत बड़ी बाइक आप चला रहे हो। अभी हम लोग आते हैं क्रैश गार्ड के पास, तो क्रैश गार्ड जो हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा मतलब कवर कर रहा है वो,
रेडिएटर को भी, जो प्रीवियस वर्जन हमको देखने को मिलता था वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, काफ़ी ज़्यादा पतला होता था। तो जब भी आप फॉल करते थे गाड़ी पे, तो मतलब जब कभी आपकी गाड़ी गिर जाती थी तो जो क्रैश गार्ड है वो आपका कभी भी मतलब टूट जाता था। और वो देखते हुए कंपनी ने इसको थोड़ा सा थिक कर दिया। और यहाँ पे देखिए आपका पूरा ये जो कूलेंट है वो कवर करता है, आपका पूरा रेडिएटर देखो कवर करता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ अभी कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है। तो अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं बैश प्लेट। अभी जो 2022 मॉडल है उसमें एल्यूमिनियम का बैश प्लेट दिया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इंजन को ये गार्ड करता है। वैसे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, बैश नहीं करेगा। अगर इन केस अगर कर भी देता है तो ये एल्यूमिनियम का होने के कारण आपका इंजन बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। और जो प्रीवियस वर्जन आता था उसमें प्लास्टिक था, और अभी वाले में एल्यूमिनियम वाला बैश प्लेट दे दिया है। इस वजह से आपको आपका जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं मिरर का। तो यहाँ पे जो मिरर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे कि ये आप सब लोग देख सकते हो, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। जब भी आप लोग हाई स्पीड पे टूर करते हो तो टूरिंग के टाइम जो आपका मिरर है वो ज़रा भी वाइब्रेट नहीं करता है और आपको अच्छी पीछे की विजिबिलिटी देता है। कुछ बाइक में या फिर दूसरे बाइक्स में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पाइप रहती है और यहाँ पे मिरर लगा देते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया। तो बैकरेस्ट बहुत ही अच्छी चीज़ अभी 2022 मॉडल में आ गई है। ये बैकरेस्ट देने का बहुत ही अच्छा रीज़न है क्योंकि बाइक में जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब भी कोई पिलियन बैठता था और राइडर कभी भी अगर स्पीडिंग करता था वो बहुत ही ज़्यादा झटका लगता था। अचानक से अगर कभी रेव कर दिया गाड़ी तो झटका लगता था। इस वजह से यहाँ पे बैकरेस्ट दिया हुआ है और राइडर को भी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे राइडर को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो लॉन्ग टूर पे तो उसको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी। सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं USB। अब ये है ADV बाइक, तो उसी हिसाब से ये लोग ने दिया है USB। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को बाहर से ख़रीद के और ये फिक्स करो उससे बेटर है, कंपनी ने हमें दिया है। तो लॉन्ग टूर करो तो हमें इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको USB कंपनी फिटेड ही मिलता है। और यहाँ पे आपको मोबाइल अटैच करने के लिए मतलब होल्डर दिया हुआ है, आपको सिर्फ आफ्टर मार्केट ख़रीद के यहाँ पे माउंट करना है, तो आपका ये एक टूरिंग सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस पे ले लद्दाख भी कर सकते हो बड़ी आराम से। एक्चुअली वही पर्पज़ से ये गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इस पे आप ऑफ रोडिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ऐसा कुछ अपना डोमिनर 2022 BS6 मॉडल है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे हम लोग ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। तो डोमिनर में दो डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया गया है, एक ये वाला डिस्प्ले हो गया और एक आपका दूसरा वाला ये डिस्प्ले हो गया। तो दोनों में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट वाला कवर करेंगे। फर्स्ट वाले स्क्रीन पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इंजन किल ऑन हो गया तो इसका मतलब बंद हो गया। यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो वैसे ही आपको साइड स्टैंड डाउन का आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड डाउन है, इस वजह से आपको साइड स्टैंड का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा। ये जैसे ही आएगा तो आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला सिंबल हो गया, इसका मतलब अभी गाड़ी स्टैंड पे है और खड़ी है, इसके वजह से ये वाला सिंबल आ रहा है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, गाड़ी में कुछ भी माल फंक्शन हो गया, कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये वाला आपको नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप करेगा। अभी गाड़ी बंद है, इस वजह से आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर विजिबल दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ABS का भी डिस्प्ले दिख रहा है, नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पर, और जो स्विच ऑफ नहीं होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। अभी आते हैं हम लोग सेकेंड वाले स्क्रीन पे। तो सेकेंड वाले स्क्रीन पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन्स मिलती है, हालांकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे यहाँ पे नज़र नहीं जाती है, बट आपको उसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। जैसे ही आप धीरे धीरे जाओगे आपको मतलब पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि गियर की नोटिफिकेशन, ओडोमीटर, यहाँ पे आपको टाइमिंग का भी दिखाएगा और कितना किलोमीटर चल चुका है। जैसे कि आप लोग राइड पे अगर निकलते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक
मतलब दो ट्रिप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रिप वन ट्रिप टू हो गया, तो जैसे ही आप गाड़ी बाहर का भी लेके निकलते हो तो ट्रिप वन या ट्रिप टू पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा कवर हो गया डोमिनर 2022 BS6 मॉडल का पूरा डिटेल्स। अब आई होप कि आपको अगर पसंद आया हो, ज़रा भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और किसी तरह से भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे जो भी नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक थम्स अप ज़रूर दे देना, और आपका जो भी थॉट्स रहेगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। तो आइए एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं गाड़ी का। सो गाइस, और एक चीज़ मेरे को आप सभी को बोलना है कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों बता देना मुझे। GoPro से मैंने शूट किया है, आई होप आपको क्वालिटी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो, जैसा भी आपका सजेशन रहेगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।